एक बार शहर से रामू घर आ रहा था। शरद का दिन था और शरद में खूब तेज तेज बिजली गड़क रही थी और बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्राण ही निकल जाएंगे बिजली की आवाज़ से। उसी बरसात में एक कुत्ता भींग रहा था और कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुत्ता अब मर जाएगा। वह बारिश में भींग कर कांप रहा था और सिकुड़ गया था। अरे ये कुत्ता तो मर जाएगा इस तरह, चलो इसे घर ले चलते हैं। और रामू घर लाता है और उसका उपचार करता है। उपचार करने के बाद कुत्ता स्वस्थ हो जाता। रामू ने उस कुत्ते का नाम मोती रखा और रामू अपने परिवार के साथ उस कुत्ते के साथ आनंद से रहने लगा। रामू के पत्नी रेशमा और उसकी पुत्री गुड़िया उसके साथ मोती के साथ खेलती रहती थी। एक दिन की बात है, पड़ोस की महिला बीमार पड़ जाती है और रेशमा कहती है उसे देखने जाने के लिए। और दोनों ये विचार करते हैं कि मोती के हवाले बच्ची को छोड़कर वह बीमार महिला को देखने जाएंगे। और मोती को बुलाकर कहते हैं, मैं पड़ोस में जा रहा हूँ, आधे घंटे में लौट आऊँगा, तब तक तुम मेरे गुड़िया का ख्याल रखना। यह कहकर पति पत्नी दोनों पड़ोस के घर चले जाते हैं। दोनों के घर से जाने के बाद मोती और गुड़िया आपस में खेलने लगते हैं। तभी अचानक मोती की नज़र एक सांप पे पड़ती है जो घर की ओर आ रहा था और गुड़िया की तरफ जा रहा था। मोती सोचता है कि अगर मैं सांप से लड़ूं तो मेरी मौत निश्चित है, लेकिन वह अपनी जान की परवाह किए बिना सांप पर लपट पड़ता है। दोनों में लड़ाई होती है और मोती सांप को काट लेता है और दो टुकड़े में बांट देता है, जिससे सांप का विष मोती के ऊपर धीरे धीरे फैलने लगता है। मोती के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वह लेटकर अपने मालिक का आने का इंतज़ार करता है। और गुड़िया समझ नहीं पाती है, उधर वह खिलौने के साथ खेल रही होती है। तभी अचानक वह दरवाजे की तरफ देखता है कि उसके मालिक और मालकिन आ गए थे। वह आंखों में आंसू भरे हुए अपने मालिक की तरफ देख रहा था और मानो कह रहा था कि मालिक, यह जीवन आपका दिया हुआ था, इसे मैंने आपको ही भेंट कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ, मैंने आपसे जो वादा किया था उसे मैंने पूरा कर दिया। देखिए हमारी गुड़िया सुरक्षित है। यह कहकर मोती आँख बंद कर लेता है। सच है दोस्तों, इंसान ही वफादार नहीं होते, कुत्ते भी वफादार होते हैं। वह अपने जान तक देकर अपने मालिक और मालिक के घर वाले की रक्षा करते हैं। तो यह था आज का शॉर्ट स्टोरी। अगर कहानी आपको अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर